देखो जब हम है ना गोलिया लेंस के लिए जब चिन्ह परिपाटी लेते हैं तो वो बिल्कुल दर्पणों के समान ही होती है, बिल्कुल सेम। राइट साइड में क्या होगा हमेशा, ये अगर आपका लेंस है तो, और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो राइट साइड में क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव। बस ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये याद रखना है। ओके अब है ना लेंस सूत्र की बात कर रहे हैं हम, लेंस सूत्र, ठीक है। तो लेंस सूत्र हमारा जो दर्पण सूत्र था उसमें क्या था, 1/V + 1/U = 1/F, ये था आपका दर्पण सूत्र है ना। लेकिन लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/V - 1/U = 1/F। इसमें प्लस और माइनस का फर्क होता है, जो बेसिकली होता है क्योंकि जो लेंस है ना उसमें दोनों तरफ दूरियां आती हैं। जो आपका V है वो इस साइड होता है और आपका U इस साइड होता है ना। ये इसका जब सूत्र निकालते हैं ना तो उसी में वेरिएशन आ जाता है बेटा, उसकी ज्योमेट्री में, ठीक है। और जो अगर आपने कभी पढ़ा हो समरूप त्रिभुज वगैरह, नहीं, ठीक है, समरूप त्रिभुज के हिसाब से ये माइनस बैठता है और ये प्लस बैठता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, लेंस में यू जो है वो नेगेटिव जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा आप लोगों को, है ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं इसमें आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि हिंट में भी मुझे डीप में जाना पड़ेगा, हो नहीं पाएगा। अब इसके बाद में जब आप आवर्धन पे आते हो तो मैंने आपको बताया था कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। H-upon-H, ये H- है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और ये है आपका बिंब की ऊंचाई, ठीक है, H-upon-H। तो अब क्या होगा, इसको हम और किससे व्यक्त करेंगे, H-upon-H = V/U, माइनस किस में था, वो दर्पण में था बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जब यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे का जो माइनस था वो हट गया। ये अगर मैं आपको डेरिवेशन बताती ना तो आपको इजीली याद होता, बट डेरिवेशन बताने का जितना टाइम नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दर्पण सूत्र में तो क्या होगा बेटा, जो मैग्निफिकेशन है वो होगा H-upon-H = -V/U, और लेंस के केस में ये हो जाएगा +V/U, ठीक है, इसको प्लीज याद रखें। अब हम प्रश्न पे आते हैं क्योंकि आपके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, अवतल लेंस कैसा बनता है याद है आप लोगों को, बताइए ऐसे वाला, कैसा वाला, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल, ठीक है, हाँ जी बताइए। तो एक अवतल लेंस है, है ना, हम प्रश्न यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अंदर ये लेंस है आपका अवतल लेंस, यहाँ पे मैं बीच में बनाऊंगी मुख्य अक्ष, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर F, और ये 2F, और 2F का मतलब क्या था, वक्रता केंद्र, ये ठीक है, F और 2F है ना। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। इसके बाद लेंस को कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यहाँ पे अगर कहीं पे बिंब होगा तो उसकी जो दूरी होगी, कुछ तो दूरी होगी ना, उसको कितनी दूरी पर रखें जिससे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो इस साइड बनता है या इस साइड बनता है, याद है किसी को, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो इस तरफ, अवतल लेंस में किस तरफ बनता है, जब आप यहाँ पर वस्तु रखते हो ना तो फिर एक जो आपकी जो प्रकाश किरण है वो इस तरह से जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, फिर उसके बाद ओ से गुजरेगी, तो ये दोनों कहाँ टकराते हैं, यहाँ। बट ये वाली जो है ये तो आभासी है, ये तो वास्तविक तो है नहीं है ये किरण, तो जब वास्तविक नहीं है तो क्या होगा, ये आभासी रूप से पीछे की तरफ हम इसे खींचेंगे तो यहाँ एक आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, समझ आया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक किरण होगी जो समांतर होगी, और समांतर होके और क्या होगा बेटा, वो
इस तरीके से गुजर जाएगी, ठीक है, अपसारित हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, अपसारित हो जाएगी, और जो दूसरी है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर गई ऐसे। मैं थोड़ा सा क्लियरली बता रही हूँ आपको, मेरे पास ये लेंस है, ठीक है, ये एक आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऐसे आपको प्रकाश की किरण, ये सब स्केल से करना है जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, और फिर ये यहाँ से अपसारित हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, फिर ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से एक और किरण पास हो रही है मानो, अब ये इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे क्योंकि ये आभासी रूप से आएगी, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा, प्रतिबिंब मिलेगा, और आभासी रूप से ये कहाँ जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस पे जाती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस मैम। ठीक है, और इस समय जो आपका ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के बीच में कहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि यू कितना है और आपको प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है बेटा, आपको प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है, देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, पर ये किस तरफ है, बाईं तरफ, तो ये क्या होगी, -10 सेंटीमीटर, तो V बराबर -10 सेंटीमीटर। U आपको ज्ञात करना है, फोकस दूरी आपकी कितनी है बेटा, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसको लेंस के सूत्र में डालना है, 1/V -1/U -1/F, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान रखना है, और क्या, 1/-1/10 -1/U -1/-15, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/U बराबर -1/30, तो U आ जाएगा आपके पास -30 सेंटीमीटर, यानी आप इसको इस लेंस के इस तरफ कितनी दूरी पे रखोगे, -30 सेंटीमीटर। हाँ जी, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब इसका आवर्धन, तो m बराबर क्या है, V/U या फिर H/H, है ना भाई। अब आपके पास क्या है, आपके पास V और U है, बस हाँ। आप मान निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, -10/-30, ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 1/3, ठीक है, यानी कि बराबर 0.33, यानी इसका जो साइज होगा वो इस वस्तु के मुकाबले 0.33 जितना होगा। क्लियर और नॉट? आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे बिना चित्र के नहीं करोगे, रफ चित्र बनाना बेटा, फेयर नहीं। अगर वो कहेगा कि बनाओ रेखा चित्र बना के दिखाओ तो हम बनाएंगे, अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल आ रहा है इस टाइप का, आंकिक प्रश्न आ रहा है, तो आप रफ में बनाओगे जिससे आपको आइडिया लग जाए कि यू किधर है, वी किधर है, उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाए। क्लियर? यस मैम।